प्यार ऑडियंस ने हमें दिया है हम आई uh, थिंक uh, इसका बहुत सालों से इंतज़ार था मुझे और आई uh, थिंक कि मैं आउट ऑफ वर्ड्स हूँ ऑडियंस को थैंक करने के लिए कि वो थिएटर्स जा रहे हैं हमारी पिक्चर को इत, इतना मतलब ढेर सारा प्यार दे रहे हैं मैं क्या बोलूँ आई थिंक uh, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही होगा कि उनको डर भी लगा और वो uh, बहुत हंस भी रहे थे पिक्चर देख के इनफैक्ट uh, मेरी uh, मेरी जो माता जी हैं उनके साथ मैंने देखा पिक्चर और हमेशा वो होता है एज अ एज अ किड आप आपके पेरेंट मतलब मॉम को हमेशा कहते हो कि यू you नो know, वो आपके अप्स एंड डाउनस के साथ रहते हैं हमेशा तो आई थिंक उन्होंने मेरी जर्नी काफ़ी नज़दीक से देखी हुई है तो उन्होंने उस दिन जब मुझे कहा कि शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी आई थिंक ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे Um, I, हम मिड uh, शो के लिए गए थे सबसे पहले जो आई थिंक छः तारीख को रात को था और सेवन्थ uh, को हमारा रिलीज था बट एक मिड शो जो मैडॉक ने ऑर्गेनाइज किया था वो छः तारीख को रात को था और मैं uh, वहाँ पे गई थी ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था जब मैं अपनी फिल्म एंड होने के बाद थिएटर्स में जाऊँ और लोगों का रिएक्शन देखूँ सबसे ओवरवेलमिंग फीलिंग थी ये और उन्होंने इतना मतलब आई आई थिंक कि जब मैंने एंटर किया तब वो ऐसे थे जैसे कि उन्होंने मुंजा देख लिया था आई थिंक उनकी आंखें वैसी ऐसी हो चुकी थी और uh... एक uh, मैं उनका नाम नहीं जानती एक्चुअली क्योंकि इतने सारे लोग थे उन्होंने फ़ोटोज़ खींचे बहुत सारी बधाइयाँ दी बट uh, एक इन पर्टिकुलर लेडी थी वो मेरे तरफ आई और उन्होंने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए और उन्होंने uh, मेरे करियर के लिए और uh, बस मेरे लिए ब्लेसिंग्स दिए आई डोंट नो वो कौन है बट आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था कि आई थिंक दो घंटे की फिल्म देखने के बाद एक ऐसा इम्पैक्ट उन पर हुआ और आई थिंक ब्लेसिंग्स किसी के किसी के भी थ्रू आए आई थिंक वो हमेशा वेलकम होते हैं और वो बहुत प्यार से दिए जाते हैं फीलिंग इज फीलिंग इज ओवर द मून या आई थिंक जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली uh, uh, ये जो स्पाई जो, जो स्पाई यूनिवर्स है वो इतने बड़े सुपर स्टार्ज uh, के कंधों पर हमेशा चलती है इतने सारे सुपरस्टार्स इसका पार्ट हुए हैं इसके पहले आई थिंक मैं सबसे पहली एक्ट्रेस हूँ जो बस दो फिल्म बाद ऐसी एक फिल्म करने जा रही है ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट मैंने जब से डिसाइड किया था कि मैं एक्टर बनूंगी, तब से आई थिंक मैंने यही होप किया है यही ड्रीम किया है कि मैं बॉलीवुड के सबसे बड़े पिक्चर्स में आऊँ सबसे बड़ी फिल्में करूँ और आई थिंक ये जो एक ड्रीम और होप है आप मैनिफेस्टेशन कह सकते हो इसे ये मैंने हमेशा अपने मन में रखा है तो आई थिंक मैं रेडी हूँ कि मैं पूरा मतलब हार्डवर्क करूँ और ऑडियंसिस को इसके लिए भी ढेर सारा प्यार मुझे मिले वेदा एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है आई थिंक uh, जो मेरी जर्नी रही है वेदा की uh, वो आज तक की सबसे स्पेशल जर्नी रही है निखिल अडवाणी सर जिन्होंने इससे पहले सुपर हिट फिल्म्स दी है जैसे कल होना हो डी डे आई थिंक यू नो एंड जॉन इब्राहिम सर जो मतलब एक्शन सुपरस्टार है उनके साथ एक एक्शन फिल्म करना इसका मौका मुझे मिलना ये बहुत बड़ी बात है uh, ये फिल्म uh, वदा की कहानी है और इसीलिए ये कहानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है एक ब्रेव लड़की की कहानी है और मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इसे देखें क्योंकि हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देना चाहते हैं इस स्टोरी के थ्रू और ये मेरा पहला टिट्यूलर रोल है तो आई थिंक एक पर्सनल हेतु से भी मैं चाहती हूँ कि लोग आए द लैंग्वेज इज़ राजस्थानी ऑफकोर्स हमने उससे हिंदी के साथ थोड़ा सा मिक्स किया है क्योंकि जो प्योर राजस्थानी लैंग्वेज है वो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती थी इसी लिए हमारे पास एक डायलैक्ट कोच थे महादेव और निखिल सर ऑफकोर्स उन्होंने बैठ के ये एक ऐसा डायलैक्ट निकाला है जो ज़्यादातर हिंदी है बट उसकी जो उसका जो एक फ्लो होता है लैंग्वेज का और थोड़े थोड़े जो टोनालिटीज़ होते हैं वो राजस्थानी से पिकअप हुए हैं आई थिंक एज एन एक्टर मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि अगर ऑडियंसेस जब भी थिएटर में जाए वो मेरा किरदार देख के कहे कि अरे हमने ये शर्मरी से एक्सपेक्ट नहीं किया था और आई थिंक मेरा ये ये मेरा ज़रूर मानना है कि एज़ एन एक्टर मुझे ऐसे किरदार करने हैं जो हमेशा अलग हो जिनकी भाषा अलग हो जिन का जिनका बिहेवियर अलग हो जो दिखते अलग हो क्योंकि फॉर एन एक्टर ये सबसे एक्साइटिंग चीज़ तो यही होती है कि आपको कुछ नया करने को मिले मुंझा में भी एक सरप्राइज़ एलिमेंट है जिसके वजह से मैंने ये फिल्म सिलेक्ट की क्योंकि वाइल्ड मेरा कैरेक्टर बहुत स्वीट है बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर सिंपल है लेकिन वो जो एक सरप्राइज़ एलिमेंट आता है और उसमें जो सारा ट्विस्ट हो जाता है वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था मैं बस यही कहूंगी कि पंद्रह अगस्त को आ रही है वेदा और मैं तह दिल से चाहती हूँ कि सारी ऑडियंसेस आए और वेदा को भी उतना ही प्यार दे जितना आप आज मुंजा को दे श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड